अयोध्या में भव्य मंदिर अब आकार ले रहा है। मंदिर का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। इसी बीच भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने एक ट्वीट कर राम भक्तों को बड़ी जानकारी दी है। अगले साल 22 जनवरी को रामलला विराजमान होंगे, जिसके बाद राम भक्तों में उत्साह देखने को मिला। हालांकि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अभी इस तारीख पर अंतिम मोहर तो नहीं लगाई है, लेकिन सूत्रों की माने तो 15 जनवरी से लेकर 25 जनवरी के बीच कभी भी शुभ मुहूर्त में भगवान रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। भगवान राम के मंदिर में 167 खंभे लगा दिए गए हैं। खंभे के बाद अब छत डालने का कार्य शुरू किया गया है। इसी बीच मंदिर निर्माण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने निकल कर आती है और 22 जनवरी 2024 भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा की डेट भी फाइनल हो जाती है। रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन दिनों तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 2 दिवसीय बैठक कर रहा है। बैठक में मंदिर निर्माण की प्रगति, रामलला की प्रतिमा और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। हालांकि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की माने तो जनवरी 2024 के तीसरे सप्ताह के शुभ मुहूर्त के दौरान भगवान राम अपने भव्य गर्भगृह में विराजमान होंगे। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है ना, दिसंबर के अंत तक ये मंदिर पूरा हो जाएगा। गर्भगृह, पहला मंजिल और दर्शन की व्यवस्था, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन संक्रांति तक प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं होता है, और इसलिए संक्रांति तक हम प्रतिष्ठा करेंगे नहीं। और 25 जनवरी से माघ मेले में अयोध्या के संत चले जाएंगे, इसलिए जो तिथियां बचती है वो 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच की बचती है। इसीलिए मैंने कहा कि तीसरे सप्ताह में करेंगे, इतना तय है, बाकी और कुछ तय नहीं। आने चाहिए, जब उन्होंने इस काम को आरंभ किया है तो उनको आकर के इस काम को पूरा करना चाहिए।